जिला महिला अस्पताल के पालना आश्रय स्थल में अभी तक आए हैं दो बच्चे। कोई भी व्यक्ति नवजात शिशु को ना फेंके, पालना में रखकर कर सकते हैं परित्याग। पहचान रहेगी गोपनीय, बच्चे का प्रशासन की तरफ से किया जाएगा भरण पोषण। बकरीद पर्व को देखते हुए महानगर में सभी चौराहों पर पुलिस कर्मियों को किया गया तैनात। एसपी सिटी व मजिस्ट्रेट ब्रह्मशिव रहकर कर रहे हैं निगरानी। सकुशल संपन्न हुआ बकरीद का पर्व। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र में जल्द ही लाया जाएगा हाथी। रेस्क्यू करके विनोद वन में रखा गया है हाथी। सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद प्राणी उद्यान में आएगा हाथी। प्राणी उद्यान के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने दी जानकारी। जिला महिला चिकित्सालय में जल्द ही लागू किया जाएगा टोकन सिस्टम। महिलाओं को नहीं खड़ा रखना होगा लाइन में, टोकन के हिसाब से होगा इलाज। प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने दी जानकारी। बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन की सभी तैयारियां हुई पूरी। राशन किट नाव का कर लिया गया है टेंडर। प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश सिंह ने दी जानकारी। मुबारक खान शहीद दरगाह पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईद उल अजहा बकरीद की नमाज हुई संपन्न। मुस्लिम समाज के लोगों ने अल्लाह से देश में अमन व चैन की मांगी दुआ। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जिला महिला अस्पताल के पालना आश्रय स्थल में अभी तक दो बच्चे आए हैं, जिसके संबंध में जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने बताया कि जिला महिला अस्पताल के पालना आश्रय स्थल में अभी तक दो बच्चे आए हैं, जो कि दोनों बच्चियां थी। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति बच्चे को यहां पर रख करके सुरक्षित परित्याग कर सकता है, जो कि लोग पहले नाली झाड़ी में फेंकते थे, ऐसे लोग यहां पर आकर बच्चे को रख सकते हैं। उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, ना ही कोई पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि हम लोगों का लक्ष्य है कि बच्चे का जीवन बचा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया है कि यदि पालना में कोई भी बच्चा आता है तो दो मिनट के बाद हमारे इमरजेंसी रूम में एक घंटी बजती है, तो इमरजेंसी से लोग आकर देखते हैं। यदि कोई बच्चा रहता है तो उसको आईसीयू में ले जाया जाता है और जिला प्रमोशन अधिकारी को उसकी सूचना दी जाती है, जहां पर बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है और स्वस्थ होने के बाद चाइल्ड लाइन को बच्चा सौंप दिया जाता है। यहां पर बच्चे का पालन पोषण होता है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने कहा, वो पालना आश्रय स्थल नाम है और उसमें अभी तक दो बच्चे आए, दोनों बच्चियां थी। उसकी प्रक्रिया ये है कि कोई भी आकर के और वहां पर अपने बच्चे का सुरक्षित परित्याग कर सकता है। यानी पहले जो लोग नाली में फेंक देते थे, झाड़ी में फेंक देते थे, वो नहीं करना है। और कोई भी आकर के अगर बच्चा वहाँ पे रख के जाता है तो फिर उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की जाती है, उसकी कोई रोक टोक नहीं होती है, जिसको भी डालना डाल सकता है। उसका आइडिया यही है कि बच्चे का जीवन जो है वो बचाना है। बाद की प्रक्रिया ये है कि जब उसमें बच्चा आता है, दो मिनट के बाद हमारे इमरजेंसी रूम में एक घंटी बजती है और वहाँ से लोग आते हैं, देखते हैं पालने में बच्चा है, तुरंत उसको एसएनसीयू में ले जाया जाता है। साथ ही साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी को उसकी सूचना दे दी जाती है। तो एसएनसीयू में बच्चे की स्वास्थ्य की देखभाल होती है, उसके जिस उम्र का बच्चा रहा, अगर दूध पीने लायक है तो दूध का, आईवी फ्लूइड के लायक है तो आईवी फ्लूइड का, इस तरह से व्यवस्था की जाती है। स्वस्थ होने पर हम लोग पुनः जिला प्रोबेशन अधिकारी को उसकी सूचना देते हैं। पहले चाइल्ड लाइन वाले आते हैं, चाइल्ड लाइन वाले बच्चे को हमसे लेते हैं और उसके बाद फिर सुरक्षित जगह पर उनको पालन पोषण हेतु निर्दिष्ट किया जाता है, उस संस्था में उनका पालन पोषण होता है। जनपद में बकरीद को देखते हुए महानगर में सभी चौराहों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि बकरीद पर्व को देखते हुए हम लोग सुबह से ब्रह्मशील रहकर निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा सभी मस्जिदों पर नमाज को देखते हुए पुलिस पीएसी आरएफ की ड्यूटी लगा दी गई है, जो कि सभी लोगों पर नजर बनाए हुए है। नगर निगम के द्वारा कुर्बानी को देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। बकरीद का पर्व सकुशल संपन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, बकरीद का पर्व आज बकरीद के त्योहार के दौरान यहाँ पे सभी जगह चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। माउंटेड पुलिस से भी पेट्रोलिंग की गई है, उसके साथ साथ पीएसी आरएफ और
जिला पुलिस के लोग सभी तैनात हैं, ड्रोन से भी निगरानी की गई थी प्रातः में। सभी लोगों ने यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से नमाज ऑलमोस्ट अदा कर ली है और बाकी इनके जो प्रोसेशन हैं वो सब निकाले जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि शांतिपूर्वक तरीके से। शहीद अशफाकुल्ला खान का प्राणी उद्यान केंद्र में जल्द ही हाथी को लाया जाएगा, जिसके संबंध में शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि एक हाथी को फरवरी महीने में रेस्क्यू किया गया था, जिसको लाकर विनोद वन में रखा गया। शासन का निर्देश है कि हाथी को प्राणी उद्यान में रखा जाए। अभी प्राणी उद्यान में हाथी के रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जब तक व्यवस्था नहीं बन जाती तब तक वो हाथी विनोद वन में रहेगा, क्योंकि हाथी के लिए एक मजबूत बाड़ा चाहिए, जिसके लिए कार्य चल रहा है, जिसमें हाथी, दरियाई घोड़ा, गेंडा रखा जा सकता है। इनके शरीर की ताकत बहुत अधिक होती है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद हाथी को प्राणी उद्यान में लाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने कहा, अभी सर हाथी की क्या स्थिति है, क्या रेस्क्यू फरवरी के महीने में किया गया था और उसके बाद उस हाथी को वहाँ से हम लोग ले आके विनोद वन में रखे हैं और शासन का निर्देश है कि उस हाथी को प्राणी उद्यान गोरखपुर में रखा जाए, जिसके लिए प्राणी उद्यान, चूँकि अभी वर्तमान में प्राणी उद्यान गोरखपुर में हाथी के रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो जब तक वो व्यवस्थाएं नहीं बन जाती हैं, जब तक यहाँ पे एक समुचित बाड़ा और सुरक्षित बाड़ा नहीं बन जाता हाथी के लिए, तब तक उस हाथी को हम लोग यहाँ नहीं रख पाएंगे, इसलिए अभी उसको विनोद वन में रखा गया है। यहाँ पे प्रक्रियाएँ चल रही हैं जिससे कि उसका एक बाड़ा बन जाए और एक, चूँकि मजबूत बाड़ा बनाना पड़ेगा, जो बड़े वन्य जीव होते हैं जैसे कि हाथी हो गया, गैंडा हो गया, दरियाई घोड़े हो गए, इनके लिए जो बाड़े बनते हैं बहुत मजबूत बनाने पड़ते हैं क्योंकि इनकी ताकत शरीर की बहुत अधिक होती है। तो एक हम लोग स्ट्रक्चर ऐसा बनाना शुरू कर रहे हैं जिसमें हम चाहें तो कभी हाथी भी रख सकते हैं, दरियाई घोड़ा भी रख सकते हैं, गैंडा भी रख सकते हैं, क्योंकि रेस्क्यू होकर आने की प्रक्रिया हाथी के साथ रहती है, इसलिए एक बाड़ा बनने की प्रक्रिया में है और जैसे ही बाड़ा बन जाएगा अभी तत्काल जो विनोद वन में रखा हुआ हाथी उसको ले आके प्राणी उद्यान में रख लिया जाएगा। तो कहा जा सकता है गोरखपुर शहर वासियों को चिड़ियाघर में हाथी भी देखने मिलेगा? अभी हम इसके बारे में ऐसे नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो रेस्क्यूड है, इसलिए जब तक सेंट्रल जू अथॉरिटी का परमिशन हम लोग को नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग उसको सीधे तौर पे नहीं कर सकते कि उसको हम लोग दर्शकों के लिए रखेंगे, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसको रखा गया है, उसके स्वास्थ्य के दृष्टिगत अभी हम लोग तत्काल में प्राणी उद्यान के अंदर एक रेस्क्यू सेंटर टाइप का जगह बना के उसमें रखेंगे और सेंट्रल जू अथॉरिटी से उसके लिए अनुरोध किया जाएगा कि अगर वो अलाउ करते हैं तो उसको भी हम लोग डिस्प्ले में रखें। जिला महिला चिकित्सालय में टोकन सिस्टम जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने बताया कि जिला महिला अस्पताल में जल्द ही टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं, जो कि बैंक की तर्ज पर काम करेगा, जिसमें जिसका नंबर आएगा वही जाकर डॉक्टर को दिखा पाएगा। इसके साथ ही मरीजों के बैठने की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी, इससे भीड़ व धक्कामुक्की खत्म हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने कहा, वहाँ पर्याप्त कूलिंग की सुविधा रहेगी, जब आपका नंबर हो तो उस डॉक्टर के पास जाके दिखा दीजिए। टोकन सिस्टम कब से लागू होगा? जल्दी लागू हो जाएगा, उसमें कुछ तकनीकी चीज़ें हमको लेनी हैं, वो जैसे आ जाता है। किस तरह से कार्य करेगा? ये टोकन सिस्टम होता है, एक डिस्प्ले लगा रहता है, आप लोगों ने बैंक वगैरह में हो सकता है उसको देखा हो कि जैसे एक को डॉक्टर ने देख लिया हो, जैसे ही दबाएंगी ओके, वैसे ही अगला टोकन का जो नंबर है वो डिस्प्ले होने लगेगा और पर्चा आप जमा कर दीजिए, टोकन नंबर ले लीजिए, आप कहीं भी बैठिए, जब टोकन नंबर आपका आए आप आके दिखा लीजिए, तो उससे वो जो पैसेज में जो आप भीड़ और धक्का मुक्की देखते हैं वो खत्म हो जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई, जिसके संबंध में प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि बारिश को देखते हुए हम लोगों ने बाढ़ से बचाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि यहां पर हर वर्ष बाढ़ आती है, जिससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बंधों का निरीक्षण कर लिया गया है, जो परियोजनाएं हैं उनको सुरक्षित स्तर तक पूरा कर लिया गया है। बाढ़ में हम लोग जो राहत सामग्री वितरित करते हैं उसका टेंडर कर लिया गया है और नाव का भी टेंडर कर लिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा गोता खोर व नाविकों के लिए किट प्रदान किया गया है, जो कि तहसील स्तर से सभी लोगों को दे दिया गया है। हम लोग
बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी मानसून के दृष्टिगत और जो भी आगे वर्षा होगी, गोरखपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग प्रत्येक वर्ष छोटी या बड़ी बाढ़ आती है। हम लोग उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। सभी प्रकार की तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। बांधों का निरीक्षण कर लिया गया है, जो परियोजनाएं हैं उनको सुरक्षित स्तर तक पूर्ण कर लिया गया है। आगे जो भी राहत सामग्री हम वितरित करते हैं उसका टेंडर कर लिया गया है। जो खाद्यान्न किट है उसका टेंडर कर लिया गया है, नावों का टेंडर कर लिया गया है, और राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इस वर्ष गोताखोर और नाविकों सभी के लिए किट प्रदान की गई है, जो तहसील स्तर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। और मेरा अनुमान है कि आगामी बाढ़ में किसी भी प्रकार की जनधन की क्षति नहीं होगी। गोरखपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच मुबारक खान शहीद दरगाह पर ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। आपको बताते हैं कि गोरखपुर में ईद उल अजहा का नमाज महानगर के विभिन्न मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुई। जिला प्रशासन द्वारा सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस व मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा शहर के सभी चौराहों पर पुलिस व पीएसी को तैनात किया गया था। वहीं नमाज पढ़कर निकल रहे मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए आफताब अहमद ने कहा कि ईद उल अजहा की नमाज अदा किया गया है और अल्लाह से देश में अमन व शांति की दुआ मांगी है, जिससे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। ये पर्व खुशी का पर्व है। हम लोग घर जाकर कुर्बानी देंगे, जो कि पूरे देश में खुशी के साथ मनाया जा रहा है। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت لك وأرنا مناسك المستقيم صراط الذين أنعمت संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए नमाजी अनवर हुसैन, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद नसीम, सहजान अली ने कहा, बकरीद की नमाज सभी लोगों ने अदा की है, बहुत खुशी से, बहुत उत्साह का माहौल है। सभी लोगों ने नए कपड़े पहने हैं, इत्र लगाए हैं, और ख़ास करके आज हम लोगों ने गरीबों यतीमों के बारे में दुआ की है कि सभी लोग खुशहाल रहें। मुल्क के बारे में दुआ किया है कि मुल्क की तरक्की हो, मुल्क में सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर रहें, अमन अमान कायम रहे, देश तरक्की करे, सभी लोग खुशहाल रहें, इस बारे में सभी लोग के लिए दुआ हुई। अनवर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकरीद की नमाज में क्या कहना है, आप सब लोग देख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बकरीद की नमाज को एक खुशियाँ होती हैं और तमाम सारी चीज़ें होती हैं। बकरीद की नमाज के बाद हम कुर्बानियाँ करेंगे, जाके सेवैयाँ खाएंगे, खिलाएंगे और बांटेंगे, खुशियाँ करेंगे और क्या करेंगे। हम अपने मुल्क के अमन अमान के लिए दुआ मांगी गई है। जी, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। बकरीद की नमाज बहुत खुशी की बात है कि बकरीद की नमाज अदा हुई। अमन अमान के लिए दुआ किया गया, गरीबों के लिए दुआ किया गया, गरीब खुशहाल रहें, और तो उसके बाद नमाज के बाद कुर्बानियाँ होंगी। बस और क्या इससे अच्छी बात कर सकते हैं। बकरीद का पर्व क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा पर्व है, ये भाईचारे का पर्व है। हमारे और आपसी हम लोगों के बीच की जो प्रेम है उसको बढ़ाने का काम करता है।
ये अपने आप में एक अच्छा त्यौहार है और लोगों के बीच जो अमन चैन है पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा मैसेज इसके थ्रू जाता है कि हम प्रेम से, प्रेम भाव से, इंसानियत के भाव से एक दूसरे से मिल कर रहे हैं। क्या नाम है? शहजान अली।